नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे शत्रु पराजय से जुड़े हुए एक विशेष टोटके के बारे में। मित्रों, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके शत्रु ना हो। जितने लोग आपके जीवन में आपके चाहने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके शत्रु। शत्रु आपके जीवन में यदि आप तरक्की कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, लेकिन शत्रुओं से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो शत्रुओं से इतना अधिक परेशान हो जाते हैं कि निश्चित तौर पर लगातार कोशिश करते हैं कि आखिर इससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए। मित्रों, एक आसान टोटका आप सभी को बताऊंगा जिसको करके और शत्रु को परास्त करेंगे और आपका शत्रु भागेगा आपसे कोसों दूर। क्या है वह टोटका, आइए जान लेते हैं। मित्रों, आप जहां कहीं भी रहते हैं उसके आसपास में नीम का पेड़ जरूर होगा, नीम या फिर पीपल का पेड़। पीपल और नीम ये दोनों ही पेड़ सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले वृक्ष हैं और इन दोनों ही वृक्षों में देवी देवताओं का निवास होता है। स्पेशली पीपल के वृक्ष पर तो शास्त्र कहता है देवानाम वासुदेवस्मि, माफ कीजिएगा, वेदानाम साम वेदोस्मी देवानाम अस्मी वासवः, यानी कि वृक्षों में मैं पीपल हूं भगवान नारायण स्वयं कहते हैं। तो पीपल के वृक्ष के पास या फिर नीम के वृक्ष के पास एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में लाएगा बड़ा चमत्कार और आपका शत्रु भागे। रविवार या फिर मंगलवार के दिन आपका कोई शत्रु है, यदि उसकी तस्वीर आपके पास है तो और भी आनंद आ जाएगा। तस्वीर एक निकाल लीजिए और तस्वीर निकाल कर छोटी सी तस्वीर और बहुत बड़े तस्वीर की आवश्यकता नहीं है। या फिर तस्वीर नहीं है तो क्या करना है कि नीम के पत्ते तोड़ लेने हैं, पांच पत्ते, या फिर पीपल के पांच पत्ते तोड़ लेने हैं और उस पत्ते पर काले रंग की स्याही लेनी है और स्याही से उसका नाम लिख देना है। काले रंग की स्याही अगर नहीं है तो फिर लाल रंग के पेन से या फिर अष्टगंध चंदन से उसका नाम उस पर लिख देना है शत्रु का। और नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है कि रविवार और मंगलवार के दिन नाम लिखने के बाद उस शत्रु की एक तस्वीर लेनी है और तस्वीर लेकर वह जो पत्ती है उसको सुखा लेनी है और सुखाने के बाद आपको को काट लेना है और काट कर उस तस्वीर मौली यानी कि कलावे से लपेट देना है और कलावे से लपेट कर रविवार या मंगलवार के ही दिन यह उपाय करना है। लपेटने के बाद अच्छे से आपको चुपचाप सायंकाल के समय या फिर दोपहर 12 से लेके 1 बजे के बीच में आपको पीपल या नीम के वृक्ष के पास जाना है और जाने के बाद वहां जब कोई नहीं देख रहा हो धीरे से वहां उसको दबा देना है और दबाने के बाद मंत्र है जो कम से कम 21 बार आपको बोलना है और मंत्र बोलते समय जहां पे आपने उसको मिट्टी में दबाया है उस पर पैरों से 21 बार मारना है। वह मंत्र क्या है, ओम हं हनुमते शत्रुहंता। मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम हं हनुमते शत्रुहंताय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार बोलकर आपको वहां 21 बार पैरों से मारना है और ये प्रक्रिया आपको ध्यान रहे कि कम से कम 7 रविवार या फिर 7 मंगलवार निरंतर करना है। वह जो तस्वीर आपने डाला है मिट्टी के अंदर वह मात्र एक ही बार डालना है, लेकिन आपको देख लेना है ध्यान से और उस पर प्रत्येक रविवार या मंगलवार के दिन जाकर 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार वहां मारना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन में जो आपका शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है निश्चित तौर पर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और शत्रु होगा आपसे परास्त और आपके जीवन में आएंगी खुशियां और उसके जीवन में तबाही ही तबाही होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप भी किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।